सर, सर आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सर, इस बार की सैलरी थोड़ी एडवांस मिल सकती है क्या? एडवांस? अरे अभी 15 दिन पहले तो तुम्हारी सैलरी मिली है, अभी एडवांस किस लिए चाहिए तुम्हें? सर वो हमारे शोरूम में ना एक नए शूज़ आए हैं, इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, रोज़ रोज़ लोगों को देखती हूँ नए शूज़ खरीदते हुए, तो इस बार अपने लिए शूज़ खरीदना चाहती हूँ। पता भी है कितने के हैं वो? पूरे महीने की सैलरी चली जाएगी तुम्हारी, 15,000 के जूते हैं वो। सर मुझे पता है, बहुत समय से इन्हें खरीदने की सोच रही हूँ पर कभी हिम्मत नहीं हुई। देखो ये महंगे शूज पहनना ना अमीरों के शौक होते हैं। सर पर लाइफ में एक बार तो। कोई एडवांस सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझी तुम? सर एक जगह पार्ट टाइम जॉब मिली है तो उसके लिए परमिशन लेनी थी आपसे। पार्ट टाइम जॉब? अरे किस लिए करनी है तुम्हें पार्ट टाइम जॉब? सर वो शूज़ के बारे में बताया था ना मैंने आपको, सर वही लेने। सर एक जगह ना मुझे नाइट शिफ्ट में एज अ डिलीवरी गर्ल जॉब मिल रही है, सर घर वालों ने भी परमिशन दे दी है, बस आपकी परमिशन चाहिए थी। अरे मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना कि ये महंगे शूज़ ना अमीरों का शौक होता है, तुम जैसों का नहीं। और फिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हें अभी ये शूज़ चाहिए? सर 6 सालों से ना महंगे शूज़ लेने की सोच रही हूँ, और अंदर जो शूज़ रखे ना सर हूबहू वही हैं जो मुझे चाहिए। देखो मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातों के लिए कोई टाइम नहीं है, और अगर तुम्हें वही अपनी डिलीवरी गर्ल की जॉब करनी है ना तो जाके वही कर लो, कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं सर, सर सर मैं यहीं काम करती हूँ। दैट्स गुड, जाओ। हेलो। हाँ स्मिता बोल। दी मैं जोनल लेवल रेस कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। सच? कॉन्ग्रेट्स यार। थैंक यू दी। मैं तो यस सर। अच्छा सुन मैं ना तुझसे आके बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है चल ठीक है बाय। जी सर। रितु ये लो। अरे सर थैंक यू सो मच सर। इसे गिफ्ट मत समझना, तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी के बदले में दे रहा हूँ तुम्हें। सर आप हर महीने मेरी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे काट कर मुझे शूज नहीं दे सकते हैं क्या? बिना सैलरी के महीना काटना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी तो डिमांड ही बढ़ती जा रही है, तुम्हारी इतनी रिक्वेस्ट के बाद पूरे महीने की सैलरी के बदले में मैं तुम्हें ये शूज देने के लिए तैयार हो गया, और अब तुम कह रही हो कि थोड़ा थोड़ा करके काट लेना। तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगा मैं, तुम्हें सैलरी चाहिए ना तो ठीक है सैलरी रखो। नहीं नहीं सर, सर मुझे शूज चाहिए, इस महीने एडजस्ट कर लूंगी मैं सर। थैंक यू सर। स्मिता तू यहाँ क्यों बैठी है? आज तो तेरी रेस थी ना, क्या हुआ उसका? मैं रेस जीत गई। अरे तेरी तो खुशी की बात है ना, इतनी उदास क्यों है तू उसमें? नेक्स्ट वीक स्टेट के लिए दौड़ना है, वो भी पक्के वाले ट्रैक पे, और उसके लिए अच्छे जूते लगेंगे। अच्छे के नाम पे मेरे पास ये हैं, बिल्कुल फटे हुए। अब तक तो जैसे तैसे काम चला लिया मैंने, पर आगे नहीं जीत पाऊंगी। स्मिता तू इधर बैठ, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहीं जाना मत, हाँ बैठ रहे। ये ले इन्हें ट्राई कर। पर अरे कर ना, ट्राई तो कर एक बार। ठीक है
थोड़ा सा लूज है लेकिन रुई डलेगी तो फिट हो जाएगा। ये तेरा गिफ्ट है आज की रेस जीतने के लिए, और अगली रेस भी तुझे यही जूते पहनकर जीतनी है। पर आप ये अपने लिए नहीं लाए थे? छोड़ ना ये सब, तेरा दौड़ना जरूरी है तो उस पर फोकस कर, ठीक है? थैंक यू दी। सर आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ हाँ आओ रितु, बैठो रितु। रितु ये लो तुम्हारे वही फेवरेट वाले शूज। नहीं नहीं सर, वैसे ही महीने का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो गया, और अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है शूज़ खरीदने के लिए। अरे नहीं रितु, तुम्हें इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ इस महीने भी तुम्हें सैलरी पूरी ही मिलेगी। एक्चुअली आज सुबह जब मैं घर से निकला ना, प्रकाश गाड़ी निकालो जल्दी। सर पहले मिठाई खाइए। सुबह सुबह मिठाई किस खुशी में प्रकाश? सर वो छोटी स्टेट लेवल रेस जीत कर आई है। अरे वाह ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने तो पूरी उम्मीद खो दी थी, पर हमारी पड़ोस में रितु दीदी रहती है सर, वो आपके शोरूम में भी काम करती है, उन्होंने आखिरी वक्त में बहुत मदद की। रितु उसने क्या किया? सर छोटी को जूते दिलाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो उन्होंने अपना पसंदीदा जूता छोटी को दे दिया ताकि वो रेस जीत सके। उन्होंने बहुत ही मेहनत से खरीदे थे वो जूते। तुम्हारे पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी तुमने उस बच्ची की हेल्प क्यों की? सर मेरे लिए जूते तो सिर्फ शौक थे, आज नहीं तो कल पूरा हो ही जाता, लेकिन स्मिता के लिए तो ये जूते उसका करियर है, अगर मैं उसे नहीं देती तो उसका सपना टूट जाता ना सर। अरे तो तुमने मुझे आज लाइफ में एक बहुत बड़ा सबक दिया। वैसे तो भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शायद तुम्हारे जितना बड़ा दिल नहीं। अरे हेल्प के नाम पे मैं तुम्हें एडवांस सैलरी तक नहीं दे पाया, तो मैंने सोचा कम से कम ये शूज़ ही मैं तुम्हें गिफ्ट करूं। अरे ले लो, इतना सोचने की कोई बात नहीं, ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।